मिस्ट्री यूनिट वन पार्ट नंबर सेवन आज हम पार्ट में आगे का प्रोटीन पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइट्रेशन कर्व क्या होता है एंड हमने कर्व देखा भी था तो हम इसके फर्दर पढ़ेंगे टाइट्रेशन कर्व ऑफ एन अमीनो एसिड प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स नेट चार्ज एंड पी एच ऑफ सोलूशन टाइट्रेशन कर्व जो है वो अमीनो एसिड एंड नेट सॉरी एमिनो एसिड के नेट चार्ज एंड पीएच के सॉल्यूशन पे जो है पीएच ऑफ सॉल्यूशन के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है रिलेशनशिप किस टाइप का होता है द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड नेट चार्ज इफ वी ऐड हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन द नेट नेट चार्ज ऑफ सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिव कॉज ऑफ डिक्रीज पीएच रिलेशन ये है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे हाइड्रोजन वाला कोई भी मॉलिक्यूल ऐड करेंगे या हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसका जो नेट चार्ज है तो उसका नेट चार्ज है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा एंड कॉज ऑफ डिक्रीज पीएच जब हम सोल्यूशन में हाइड्रोजन uh, ऐड करते जाएंगे तब उसका पीएच जो है वो डिक्रीज होता जाएगा एंड पीएच डिक्रीज होगा तब उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा बट वी एडेड इन सोल्यूशन द नेट चार्ज विल बी नेगेटिव ऑफ़ ऑफ़ इंक्रीज़ अब जो हम मिक्स OH, OH करते हैं पहले हमने हाइड्रोजन मिक्स किया था अब हम ओएच जब सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तब तो क्या होता है पीएच जो है वो इंक्रीज होता है पहले डिक्रीज हो रहा था अब वो इंक्रीज होगा एंड जो चार्ज होगा वो होगा माइनस तो पी एच एंड नेट चार्ज में जो रिलेशन है वो ये है कि अगर हम पीएच को डिक्रीज करेंगे हाइड्रोजन मिक्स करके पीएच को डिक्रीज करेंगे तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव आएगा और पीएच को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज जो है वो सॉल्यूशन में नेगेटिव आएगा एग्जाम्पल के लिए मैंने पे एसिड के साथ हाइड्रोजन को मिक्स कराया तो पीएच जो है वो लो हो गया एंड इसका जो अमिनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन एड हो गया उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो हमने इसमें सॉल्यूशन में अमीनो एसिड के साथ ओएच OH को मिक्स किया तब यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिला जो कि अमीनो एसिड में हाइड्रोजन रिमूव uh, हो गया है एंड जो कार्बोक्सिलिक uh, एसिड पे है वो माइनस चार्ज आ गया है तो इस सॉल्यूशन में माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा एंड पीएच जो है वो हाई होगा इसके बाद इफ सॉल्यूशन compare, पी इज बिलो कंपेयर टू पी आई क्या है uh, आइसो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कर्व में जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने मैं आपको बताया था उसे पी आई भी कहते हैं तो अगर पी, आ, किसी सॉल्यूशन में जो पीएच का या पीआई है जो पीआई प्रेजेंट है सॉल्यूशन में अगर वो पीएच से नीचे है अगर पीएच हमारा 2.34 है एंड जो पीआई है हमारा वो है 4.33 तो इसका सॉल्यूशन पी, का पीआई जो है वो ज्यादा है एंड पीएच जो है वो कम है तो अगर सॉल्यूशन का पीएच पीआई से कम है तब उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा एक आप इसको अगर याद ना रखना चाहें ओ OH एच या एच प्लस करने पे पीएच डिक्रीज होगा होगा इंक्रीज प्लस माइनस चार्ज आएगा तो आप इसे इसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में पी आई हायर है पीएच से कंपेयर टू पी एच और पी एच लो है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड अगर पी एच जो है वो हाई है कंपेयर टू पी आई देन वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हो गए हमारे चार्जेस की बात रिलेशन की बात उसके बाद ऑल अमीनो एसिड विच हैव अल्फा अमीनो एसिड एंड अल्फा सी ग्रुप एंड आर ग्रुप देन इट्स टाइट्रेशन कर्व विल बी सेम एज ग्लाइसिन समझ में आ गया होगा जो ऑल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें हमारे अमीनो एसिड्स में अल्फा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो

Value. जो amino acid आपको दिखाया था उसमें क्या होता है आर ग्रुप में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन अगर उस आर ग्रुप में हमारा अमोनिया प्रेजेंट है या हमारा कार्बोक्सलिक एसिड प्रेजेंट है तब उसका जो टाइट्रेशन कर्व होगा वो बहुत ही जाना कॉम्प्लेक्स होगा अब वो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये रहे है हमारे स्ट्रक्चर ये हमारे स्ट्रक्चर अब आ, हमने नॉर्मली अमीनो एसिड में देखा है कि नॉर्मली अमीनो एसिड में हमारे इस टाइप को सिनेरियो दिखाई देता है मींस यहाँ पे आर ग्रुप प्रेजेंट होता है आर ग्रुप में कोई भी मॉलिक्यूल या आर ग्रुप प्रेजेंट होता है लेकिन जब हम यहाँ पे अमीनो एसिड के ग्रुप में अगर अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें आर ग्रुप की इंस्टिट तब क्या होता है तब ये इस टाइप का दिखाई देता है यहाँ पर आर ग्रुप की जगह पे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है या फिर अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है तब ऐसे ग्रुप को हम जो इनका जो टाइट्रेशन कर्व होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड यहाँ पे थ्री पी के नॉर्मलो एसिड में हमारी दो पी के वैल्यू आती है। पीके ए पी के एंड बी लेकिन जो ये टाइट्रेशन कर्व इनका है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया का तो वहां पे जो है कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन करवाएगा एंड थ्री पी के वैल्यू होंगी पी के वन पी टू एंड पी थ्री तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हमारे स्ट्रक्चर है वो है ग्लूटामेट जिसको हम पढ़ेंगे एंड एस्परेट ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं आय ग्रुप में एंड जो अमो, अमोनिया का ग्रुप है वो है हिस्टिडीन लाइसिन एंड आर्जिनिन इन तीनों में जो अमोनिया है वो आय ग्रुप के आय ग्रुप के इंस्टेट प्रेजेंट होता है तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्टली टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लूटामेट ग्लूटामेट जिसकी मैंने आपकी बात करी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आय ग्रुप के प्लेस पे प्रेजेंट होगा तो हम इस कर्व को देख लेते हैं ये कर्व बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है वो ओएच OH वाली एक्सेस है एंड यहाँ पे पीएच वाली ओ OH एच वाली वो एक्सेस जो हम मिक्स करते जाते हैं एन एच को एड करते जाते हैं लास्ट वीडियो में बताया था एंड पी एच जो है हमारा पीएच कैसे चेंज होता रहता है वो दिखाता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्टली यहाँ पे हम अपने ग्रुप्स देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप्स एड है तो यहां पे फर्स्ट हमारा ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड हमारा है अमीनो ग्रुप, ग्रुप एंड थर्ड हमारा है आर ग्रुप है -O -O अब ये आर ग्रुप ही जो कि सीओओ वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है इस कर्व का तो चलिए इस कर्व को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम्म अब होता तो क्या है कि जब NaOH को सॉल्यूशन में ऐड करते हैं

तो इस टाइप में यहाँ पे COO- माइनस आ जाता है ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा मैंने आपको बताया था जब दोनों मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर्स में प्रेजेंट होंगे तब उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज तो जो इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा तो उसमें हमारा पहला हमारा पहला इन्फ्लेक्शन बनेगा तो जो पहला इन्फ्लेक्शन हमारा होगा वो होगा पीके वन तो अब ये पीके वन हमें मिल गया उसके बाद जब हम फर्दर OH को मिक्स करेंगे तो जो क्या है एसिड -like के हाइड्रोजन अब पूरी तरह से खत्म हो, जा, हो जाएंगे जब फर्स्टली हमने यहाँ पे पहला इन्फ्लेक्शन हमें मिला उसमें हाइड्रोजन काफी बचे हुए थे और जब हमने फर्दर और ज्यादा एनओएच को मिलाया तब इसके हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गए एंड अब जो है नीचे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन वो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके हाइड्रोजन खत्म हो जाने पे जब इसके स्टार्ट हुए तब इस पॉइंट को हम कहेंगे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू क्या है 3.22 तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया एंड इसके बाद आइसोलेक्टिव पॉइंट के बाद जब हम फर्दर एनओ एच को मिक्स करेंगे सोल्यूशन के साथ तब इसके पूरी तरह से हाइड्रोजन हट जाने पे ये सीओ एच जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर देगा अपने प्रोटॉन्स को तो इसके बीच में जब इन दोनों की ये ये प्रोडक्ट्स जब हमें मिलेंगे सॉरी ये मॉलिक्यूल्स की जब हमें इक्विलिब्रियम स्टेज मिलेगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ने हाइड्रोजन रिमूव करना स्टार्ट कर दिया तो हमें पहले इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज मिली अब हमें इन दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेज स्टेज मिली तो जो इन, स्टेज मिली तो जब हमें इनकी तब इसके बीच इसकी जो इन्फ्लेक्शन का नाम होगा वो होगा पी के आर अब इसका नाम पी के आर क्यों है ए आर का मतलब है आर ग्रुप पे जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए इसके जो इन्फ्लेक्शन का नाम होगा वो होगा पी के आर एंड इसकी वैल्यू है फोर पॉइंट टू फाइव इसके बाद जब आ, इस वाले मॉलिक्यूल ने कंप्लीटली हाइड्रोजन को दे दिया या पी के इंफ्लेक्शन बनाने के बाद जब हमने फर्दर एन को मिक्स किया तो वो तब तक मिक्स होता रहेगा जब तक इसके हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे अब मान लो इसके भी हाइड्रोजन खत्म हो गए तो हमें यहाँ पर भी एक आइसो पॉइंट देखने को मिलेगा पर वो यहाँ पे शो नहीं है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट है तो जो आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट है उसके बाद हम और ज्यादा मिक्स करते जाएंगे जब को, तो इसके जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे अब जो हाइड्रोजन रिलीज रे, होंगे या रिमूव होंगे वो होंगे अमोनिया ग्रुप से तो अमोनिया ग्रुप के जो है हाइड्रोजन रिमूव होने लगेंगे तब हमारा जो आ, इसका इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी वो इक्विलिब्रियम स्टेज होगी पी के टू जिसकी वैल्यू होगी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन आई होप आपको समझ में आया होगा ना कि फर्स्टली हमने पहले इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज को पी के वन फिर हमारी आइसो इलेक्ट्रिक फॉर्म आई आइसो इलेक्ट्रिक स्टेज आई उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है एंड जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसमें ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं उसके बाद हमारा सेकेंड इक्विलिब्रियम स्टेज हमने इन दोनों के बीच देखा तो इसका नाम आया इन्फ्लेक्शन का पी के आर एंड इसके बाद इनका भी एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आया वो शो नहीं है फिर इसका जो ये थर्ड एंड फोर्थ इनका इक्विलिब्रियम स्टेज आया तो इसका नाम हो गया पी के टू तो हमें तीन इन्फ्लेक्शन मिले यहाँ पे पी के वन पी के आर एंड पी के टू एंड यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है इनका. तो इस तरह से ये कर्व हमारा जो है निकालना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे जो के ए की वैल्यू है ये पी के वन की वैल्यू एंड पी के आर की वैल्यू इन दोनों को प्लस करेंगे एंड अपॉन मई टू तो इन दोनों का प्लस और ये टू से जब हम इसको कट करेंगे तब पी के सॉरी पी आई की वैल्यू है जो वो कंप्लीटली निकल आएगी हमारे सामने तो जब हम पीके आई पी आई की, की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब हम इस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे ओके okay. तो ये था हमारा टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लूटामेट इसके बाद हम पढ़ेंगे Titration Curves of Histidine. तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है में क्या होगा कि यहाँ पर जो अमोनिया ग्रुप मिल रहा था मिल मिल रहा रहा था था जो है पे अब हमें कौन सा ग्रुप मिल रहा है अमोनिया ग्रुप तो ये अमोनिया ग्रुप जो है वो कंप्लीट इस आ, आ, एसिड में ऐड रहेगा एक्स्ट्रा फॉर्म में तो फर्स्ट हमारे वैल्यू तो आएगी वन पॉइंट एट टू फिर पी के आर की वैल्यू आएगी दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेज पे इन दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेज पे पी के वन आएगा इन दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेज पे पी के आर आएगा एंड इन दोनों की स्टेज पे पीके टू आएगा आपको याद है ना स्टेज कैसे आएगी जब ये पूरे अपने हाइड्रोजन रिलीज कर देगा या कुछ कुछ हाइड्रोजन बचे रहेंगे तब ये पीके वन इनफ्लैक्शन आएगा एंड इसके बाद हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा जिसपे सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे फिर जो रिमूव का रि, हाइड्रोजन रिमूव स्टार्ट होगा वो होगा हमारा अमोनिया से स्टार्ट अमोनिया से हमारे हाइड्रोजन रिलीज होना स्टार्ट होंगे तो हमें एक और फ्लेक्शन मिलेगा जो कि पी के आर होगा उसके बाद पॉइंट आएगा, जिसमें सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे अमोनिया से एंड सारे अमोनिया हाइड्रोजन खत्म हो जाने के बाद जो हमारा थर्ड ग्रुप है वो अमोनिया सेकेंड नंबर का हाइड्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा तो इस तरह से हमें तीन फ्लैक्शन मिलेंगे एंड दो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिलेंगे एंड इसकी भी पी आई निकालने के लिए हमें पी के टू प्लस पी के आर की वैल्यू को प्लस करके अब में टू को लगाना होगा जिससे कि हमारी वैल्यू निकल आएगी फर्स्ट में हमने क्या देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पी आई जो हमें निकालना था उसमें पीके ए की वैल्यू रखनी थी और पी के आर की वैल्यू रखनी थी लेकिन जो सेकंड में सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं की ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है लेकिन प्रोटीन का टॉपिक जो है वो मैं आपको आगे लेके और, और वीडियोस इसकी आएंगी रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह मुझे आपको बताना है तो खैर ये कर्व्स वगैरह सारे खत्म हो गए हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रामचंद्रन प्लॉट के साथ तब तक के लिए बाय